वेल दोस्तों, आपने बात सुनी होगी मुझसे और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर जो कि यूट्यूब पर मूवी से रिलेटेड आपको अपडेट देते हैं, साथ ही साथ मूवी रिव्यूज, ट्रेलर रिव्यूज, टीजर रिव्यूज, बहुत सारे आपने क्रिएटर्स को देखा होगा। मैं भी आपके साथ ऐसे ही अपडेट्स शेयर करते रहता हूँ, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर एक गलती कर देते हैं। गलती ये होती है कि हम कुछ ऐसे मूवीज को आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, और फिर मैं कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण यही मानता हूँ कि उन मूवियों की जो अवेयरनेस होती है वो फैंस में या फिर जो भी मूवी लवर होता है उन तक ये खबर नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि उन मूवियों की उतनी हाइप नहीं हो पाती है और वो हमसे भी कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। और इसी का एक जीता जागता उदाहरण आज मुझे देखने को मिला है, साउथ इंडस्ट्री की मलयालम लैंग्वेज में बनी मूवी 2018। दोस्तों 5 मई को रिलीज हुई ये मूवी अपने आप में ही एक गदर साबित हुई है। दोस्तों अगर इस मूवी के बारे में मैं थोड़ी बहुत अपनी सच्चाई बताऊं तो मैंने अभी तक ये मूवी देखी नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैंने इस 2018 मूवी का ट्रेलर देखा है तो सही में लगा कि ये मूवी कहीं ना कहीं हमें इसको प्रमोट करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों फिर भी कहते हैं कि सफलता के लिए ज्यादा हल्ला शोरगुल करना जरूरी नहीं होता है, दुबके पांव भी सफलता को हासिल किया जा सकता है, और मैंने ये देखा है 2018 में। क्योंकि दोस्तों 2018 एक ऐसी मूवी है जिसने रिलीज के बाद 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं और 100 करोड़ नहीं, बल्कि 160 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है, वो भी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। और दोस्तों आप इसका जो बजट है, मूवी बजट है, उसे जानकर हिल जाएंगे। मात्र दोस्तों 12 करोड़ में बनी ये मूवी 2018 160 करोड़ रुपए के आंकड़े को इस तरीके से छू गई, मानो इसने कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी मूवियों का रिकॉर्ड तोड़ डाला जिन्हें अभी भी कायम करना मुश्किल लग रहा है। और इसमें बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है द केरला स्टोरी। दोस्तों अगर मैं आंकड़े की भी मानूं तो केरला स्टोरी लगभग 40 करोड़ रुपए के आसपास बनी मूवी है, और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड अगर देख ले तो वो 250 करोड़ से भी ऊपर का है। लेकिन फिर अगर हम वहां पर बात करते हैं 2018 मूवी की, तो ये 12 करोड़ में बनी मूवी है जिसने अभी तक लगभग 160 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। तो इस आंकड़े से लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये 2018 मूवी थी ये फैंस को बहुत ही अच्छी लगी, और जिसने भी इसे देखा उसका अच्छा रिस्पॉन्स एक दूसरे व्यूअर तक पहुंचा, तभी तो ये मूवी इतना अच्छा कमाल कर पाई। लेकिन दोस्तों इस मूवी का मैं आपको सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन आपको बताने वाला हूँ, वो ये हो सकता है इस मूवी की स्टोरी। इस मूवी की स्टोरी आपको ट्रेलर में ही दिख जाएगी, मात्र इसका ट्रेलर भर देखने से आदमी को पता चल जाता है कि आखिर ये मूवी मेकर हमें इस मूवी में दिखाना क्या चाहते हैं। और फिर कहीं ना कहीं वो स्टोरी होने वाली है 2018 में आई केरल में एक भीषण बाढ़ की। ये मूवी की स्टोरी हमें बताती है कि कैसे 2018 में जो केरल में बाढ़ आई थी वहां आपदाग्रस्त उन लोगों को कैसे बचाया गया, कैसे उनका संघर्ष था, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया जीने के लिए। और दोस्तों साथ ही साथ हर सेकंड का जो डर था वो जो ये मूवी का ट्रेलर है वो ही बयां कर देता है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अगर बात करें मूवी कास्ट की, तो उसमें होने वाले हैं टोविनो थॉमस, उचानको बोमम, आशिफ अली, अपर्णा बालमुरली और साथ ही साथ विनीत श्रीनिवासन इस मूवी में हमें मेन रोल में नजर आने वाले हैं। अब दोस्तों आप इसकी कमाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये मूवी रिलीज हुई, मात्र अपने रिलीज से 10 दिन बाद ही इस मूवी ने लगभग 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। और वैसे दोस्तों सच कहूं तो इस मूवी के बारे में मेरे पास एक अपडेट तक नहीं थी, और यही कारण मैं मानता हूं कि बहुत सारे क्रिएटर्स भी इस पर वीडियो बनाना भूल गए। अब दोस्तों फिर कहीं ना कहीं बात करूं अगर मूवी डायरेक्टर के बारे में, तो वो होने वाले हैं वेणु पुन्नपल्ली, सी के पद्म कुमार और साथ ही साथ एंटो जोसेफ। इन तीनों ने मिलकर ये मूवी बनाई है। लेकिन दोस्तों जब मेकर्स ने अपनी इतनी बड़ी हाइप देखी और बॉक्स ऑफिस पर अपना इतना बड़ा कलेक्शन देखा, तो कहीं ना कहीं फिर मेकर्स ने डिसीजन लिया कि हम इसे भी हिंदी वर्जन में डब करने वाले हैं। तो दोस्तों फिर 26 मई को मेकर्स ने इसका हिंदी डब वर्जन निकाला, जिसके बाद आप भी इसे थिएटर्स में जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी जाते जाते आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि हम कितना भी इन मूवीज अपडेट पर काम कर ले या फिर आपके साथ बहुत सारे रिव्यूज शेयर कर ले, लेकिन इस बात से पता चलता है कि इंडस्ट्री में इतना कमाल करने वाली मूवी को अगर हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं फैंस, मीडिया साथ ही साथ आप ही के सामने, तो फिर ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी या फिर नाकामयाबी हो सकती है। और सही कहूं तो आपका भाई आज के बाद ये बात का ध्यान तो जरूर रखेगा। लेकिन फिर भी आपको एक काम तो करना पड़ेगा, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो आपको ये सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा।